एक तरफ अरशद शरीफ इस टाइम इतना बड़ा एक सानेहा हो गया पाकिस्तान में और सब चीज़ के अंदर हो गया है, और एक तरफ मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली, सफदर, उनका बेटा, उनके सारे लोग इस टाइम के अंदर अपने मीडिया सेल के ज़रिए अपनी हैप्पी दिवाली का केक काटते नज़र आ रहे हैं, और उनको दुनिया से कोई गर्ज नहीं है कि इधर क्या माहौल चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है। अगर वो आके सिर्फ दो लफ्ज़ ये बोलें कि अरशद शरीफ एक बहादुर इंसान है और वो जो जो चीज़ें बोलता है और वो सच से मुआदे होते, तो तब भी उनकी तस्दील होगी कि बिहाइंड द डोर्स जो अभी एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है, उसी इन्वेस्टिगेशन की वजह से अरशद शरीफ को निशाना भी बनाया गया है और उसी के ऊपर सारी चीज़ें भी चल रही थी। इन लोगों के अंदर कोई एथिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। अपने मीडिया सेल्स के ज़रिए अपने जो चहीते लोग होते हैं उनको वीडियोस भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि आप पूरी दुनिया में लगाइए और चीज़ें करें। ये दिवाली का और जो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जो एक दौर में मंदिर जाके उन्होंने चीज़ें की थी, वो लोग इमरान खान साहब के ऊपर फतवा जारी करते हैं कि वो एक यहूदी है और एक गैर मुल्की है और जो है वो चीज़ों का इस्तेमाल करता है और इस्लाम के मुनाफिक जाता है। उन लोगों को स्पेशली वो लोग जो पीडीएम के लोग हैं और जो मुस्लिम नून के लोग हैं, उन लोगों के लिए आगे खोलने के लिए और इससे बढ़कर और क्या वीडियो होंगी कि जो खुद बता रही है कि ये लोग किस तरीके के लोग हैं। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर वाकई इनकलाब का जो एक चीज़ है वो बहुत ख़तरनाक लेवल के ऊपर जा रही है, और आने वाले दिनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकलाब ही दिख रहा है, एक ही रास्ता है, वरना और कोई रास्ता नहीं पाकिस्तान को।